got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑटो फंडा। और दोस्तों, आपके लिए फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये है मारुति सुजुकी की बलेनो डेल्टा वेरिएंट। तो बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक की, तो हमें यहाँ पे बीच में सुजुकी का लोगो दिखाई दे रहा है और साथ में हमें नेक्सा वेव ग्रिल विथ क्रोम फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और साथ में साइड में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्टेड हेडलैम्प दिखाएगा जो कि हैलोजन में आएगा, और साथ ही में हमें इसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ में हमें जो यहाँ पे फॉग लैम्प के लिए जो तो यहाँ पे प्रोविजन करके रखा है दोस्तों, इसमें फॉग लैम्प नहीं आएगा क्योंकि डेल्टा मॉडल है इसकी वजह से। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज हमेशा लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के साइड प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। और टायर की बात करेंगे तो हमें 185/65 R15 का टायर मिलता है दोस्तों, और साथ ही में इसके साथ हमें व्हील कैप मिलती है जो इसका बेस्ट वेरियंट है, उसमें व्हील कैप नहीं आती है दोस्तों। और बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन की, तो यहाँ पर हमें गाड़ी के डायमेंशन में लेंथ में 3990 mm का हमें लेंथ मिलता है, 1745 का हमें विड्थ मिलता है, 1500 mm का हमें हाइट मिलता है दोस्तों जो कि अनलैडन होता है। व्हीलबेस हमें 2520 mm का मिलेगा और टर्निंग रेडियस जो तो हमें 4.85 मीटर का मिलेगा। तो बात करते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल के दोस्तों, तो यहाँ पे बैक प्रोफाइल से गाड़ी बहुत ही प्रीमियम दिखाई देती है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो दिखाया दे रहा है, बलेनो की ब्रांडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, और पीछे जो तो हमें यहाँ पे फॉग डिमेस्टर भी दिखाई दे रहे हैं डेल्टा मॉडल से ही, और टेल लैम्प जो दिखाई दे रहे हैं वो भी LED में है दोस्तों। और कुछ ऐसा बढ़िया सा लुक गाड़ी का निकल के आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर देखने के लिए हमें गाड़ी करनी पड़ेगी ओपन, और ओपन करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से की मिलती है दोस्तों जो कि कीलेस एंट्री वाली की है। और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया होगा दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के ऊपर हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है। और जैसे हम गाड़ी का इंटीरियर ओपन करते हैं दोस्तों, डोर ओपन करते हैं, तभी हमें कुछ इस तरीके से इंटीरियर दिखाई दे रहा है दोस्तों जो कि पूरा ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, और कुछ सिल्वर लाइनिंग की भी फिनिशिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि काफ़ी प्रीमियम दिखाई दे रही है और काफ़ी स्पोर्टी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो जैसे हम गाड़ी का इंटीरियर दिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें गाड़ी का पहले स्टेयरिंग दिखाई देता है जो कि फ्लैट बॉटम टाइप का स्टेयरिंग है अपना, और बीच में आपको सुजुकी का लोगो दिखाई दे रहा है, और साइड में जो तो आपको ऑडियो कंट्रोल मिल रहा है, और साथ ही में कॉल डिसकनेक्ट कनेक्ट का ऑप्शन है, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, और वॉइस कमांड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो स्टेयरिंग मिल रही है आपको, तो ये टी स्टेयरिंग के साथ मिल रहा है दोस्तों, जिससे आपकी गाड़ी जो गाड़ी का जो स्टेयरिंग है आपके हाइट के हिसाब से इसे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं अभी गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ। तो हम उसके लिए लगाते हैं गाड़ी को चाबी, और जैसे हम गाड़ी की चाबी लगाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, जिस यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें जो तो टैकोमीटर दिखाई दे रहा है, और बीच में एक छोटी सी स्क्रीन दिखा रहा है, नेगेटिव स्क्रीन दिखाई दे रही है, और राइट साइड में जो तो हमें स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि स्क्रीन में हमें कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज दिखाएगा, इंस्टेंस एवरेज दिखाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाई देगा, फिर बाद में जो तो अपना गाड़ी में फ्यूल कितना है वो भी वहाँ पे दिखाई देगा। अब चलते गाड़ी के थोड़े से नीचे साइड की तरफ, तो यहाँ पे हमें जो तो AC दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो डेल्टा ऑनवर्ड्स हमें जो तो गाड़ी में ऑटोमेटिक AC मिल रही है दोस्तों यहाँ पे, जो कि काफ़ी प्रीमियम दिखाई दे रही है। अब AC के बटन्स यहाँ पे जो दिए गए, तो यहाँ पे वो पियानो फिनिशिंग में दिए गए जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं, और गियर नॉब भी हमें पियानो फिनिशिंग मिलता है। यहाँ पे कप होल्डर दिखाई दे रहा है, एक्सेसरी सॉकेट के लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे, USB पॉइंट भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे थोड़ा हम ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें AC ब्लोर दिखाई दे रहे हैं, 2 AC ब्लोर हमें सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो तो हजार्ड लाइट्स के लिए बटन दिखाई दे रहे हैं। तो AC ब्लोर के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो हमें यहाँ पे 4 AC ब्लोर मिल रहे हैं, जैसे कि बीच में 2, साइड में एक, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो तो हमें एक AC ब्लोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि इनफ है आपके गाड़ी की कैबिन कूल करने के लिए। अब जैसे गाड़ी के इंटीरियर में थोड़ा सा ऊपर देखते हो, तो यहाँ पे हमें डे नाइट IRVM दिखाई दे रहा है,
और टॉप में हमें कुछ इस तरीके से लाइट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और जैसे हम साइड से देखते थे यहाँ पे सनवाइजर दिखाई देता है जो कि वैनिटी मिरर के साथ आता है। ड्राइवर साइड पे भी एक मस्त सनवाइजर होता है, बट यहाँ पे कोई टिकट होल्डर वगैरह कुछ दिया गया नहीं है। और जैसे हम लेफ्ट साइड में देखते थे यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल दिखाई दे रहा है को ड्राइवर साइड में, और साथ ही में अगर हम राइट साइड में देखेंगे ड्राइवर साइड में तो हमें कुछ ग्रैब वगैरह कुछ दिया गया नहीं है यहाँ पे। तो बात करते हैं गाड़ी की को ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे हमें जो तो ऊपर जो तो इनसाइड डोर हैंडल मिलता है, नीचे जो तो हमें पावर विंडोज दिखाई दे रहा है, नीचे हमें बॉर्डर होल्डर के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स यहाँ पे दिखाई देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो तो चारों भी पावर विंडोज के जो तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, और एनालॉग भी दिया गया है जिसके मदद से आप जो तो आपके आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, और चाहे तो एक बटन के ऊपर जो तो उसे आप फोल्ड भी कर सकते हो। और बात करते हैं बाकी के बटन्स के, तो यहाँ पे हमें जो तो ड्राइवर साइड ऑटो डाउन पावर विंडो मिल जाता है, जो कि फीचर आपको सिग्मा वेरिएंट्स ऑनवर्ड्स मिलता है। और आप आगे जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सेंसर बटन है, और लाइट लेवल का भी बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। बात करते हैं बाकी के बटन्स के, तो यहाँ पे स्टीयरिंग के नीचे आपको लाइट के जो कंट्रोल से यहाँ पे वो मिलेंगे, और साथ ही में लेफ्ट साइड में जो तो आपको यहाँ पे वॉशर वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि आपको FM, AM, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB कनेक्शन के साथ मिलता है, जिसके मदद से आप आपके यहाँ पे गाने जो तो म्यूजिक इंजॉय कर सकते हो। बटन जो दिए गए इस म्यूजिक सिस्टम को वो फेदर टच वाले म्यूजिक सिस्टम वाले बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसका कंट्रोल जो तो आप आपके स्टेयरिंग के ऊपर दिए गए कंट्रोल से भी कर सकते हो। और बात की जाए स्पीकर्स की, तो इस म्यूजिक सिस्टम के साथ आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की सीट्स की, तो यहाँ पे जब गाड़ी में मैं बैठा दोस्तों, तो यहाँ पे जो तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मुझे लगे, और कुशनिंग भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगी दोस्तों इसकी। और फ्रंट के दोनों भी सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट्स में हम तो जैसे ही थोड़ा नीचे आते दोस्तों, तो यहाँ पे हमें सीट्स रिक्लाइन करने के लिए जो तो नॉब्स दिया गया है, और हाइट एडजस्टिंग के लिए ऐसे यहाँ पे कुछ नॉब नहीं दोस्तों, तो मतलब हाइट एडजस्ट यहाँ पे है नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी के बैक सीट की तरफ, तो यहाँ पे हम गाड़ी के अंदर कितना स्पेस है पिछले साइड में, और सीट्स कंफर्ट कितना है, पोर्ट्स क्या क्या दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसे मैं पिछले सीट के ऊपर बैठा दोस्तों, तो काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग लगी इस गाड़ी की। और आगे के दोनों सीट के बीच हमें जो तो एक एक्सेसरी सॉकेट भी दिखाई दे रहा है, और मोबाइल रखने के लिए जगह भी यहाँ पे दी गई है। अब बैक सीट कंफर्ट में हम दोस्तों चेक करते हैं गाड़ी में जो तो हमें थाई सपोर्ट कितना मिलता है सीट के ऊपर। तो थाई सपोर्ट जो तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया मिल रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था, और साथ ही में जो लेग रूम जो तो लेग रूम भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा था। अब दोनों दोस्तों ये जो चीज़ें जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लॉन्ग ड्राइव के ऊपर जाते हैं तब हमें जो तो कोई क्रैम्प्स वगैरह नहीं आते। हेडरूम भी हमें डिसेंट मिलता है यहाँ पे, और सीट के हेडरेस्ट जो तो यहाँ पे पिछले साइड में फिक्स वाले मिलते हैं। बात की जाए पिछले डोर्स के, तो यहाँ पे हमें जो तो पावर विंडो का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, और नीचे स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं, और राइट्स में भी साइड में भी कुछ ऐसे ही सेम पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, बटन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हमें बैक सीट की कुशनिंग भी बहुत अच्छी मिली है दोस्तों। और पीछे बैठकर दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें लुक मिलता है आगे का। तो दोस्तों चलते हैं आप गाड़ी के बैक प्रोफाइल की तरफ, और यहाँ पे हमें जो तो गाड़ी का बूट स्पेस चेक करना है। सो बूट स्पेस चेक करने के लिए हमें डिक्की ओपन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिए गए हैं, और आप सामने देख पा रहे हैं ये कुछ ऐसा बूट स्पेस आपको मिलता है, और ये रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, इसे प्रेस करने के बाद जो तो आपका बूट जो तो ओपन होता है। और नीचे बात करते हैं हम, अभी ये पार्सल ट्रे तो यहाँ पे निकाल के रखा है हमने, गाड़ी के साथ पार्सल ट्रे भी आता है, तो हम ये पहले पार्सल ट्रे फिक्स करेंगे। यहाँ पे कुछ आपको भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे पार्सल ट्रे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो बस कुछ इस तरीके से हमें स्पेस मिल जाता है, और जैसे कि अब नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बूट स्पेस मिल रहा है, 318 लीटर का बूट से यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। अब नीचे यहाँ पे ब्लैक वाला कारपेट बोर्ड दिख रहे हैं, इसके नीचे ही हमें जो तो अपनी गाड़ी की स्टेपनी टायर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
अब दोस्तों ये बूट स्पेस तो बहुत बड़ा बूट स्पेस है, पर इसके अलावा अगर आपको कुछ ज़्यादा लगेज इसमें डालना है तो आप जो तो जो पीछे वाले सीट जो तो उसे पूरा फोल्ड कर सकते हो। ये सीट जो तो 60-40 वाली स्प्लिट नहीं होते दोस्तों, इसे जो अगर आपको पूरा फोल्ड करना है तो पूरा मतलब पूरा का पूरा ही फोल्ड हो जाएगा ये। बट आपको ये बूट स्पेस बढ़ाने के लिए जो तो एक ऑप्शन मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे हमें इंजन कंपार्टमेंट ओपन करने के लिए जो मतलब जो तो अपना बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे बटन दिए गए जो कि आपके स्टेयरिंग के जस्ट राइट साइड में नीचे दिए गए हुए हैं। और आपको जो फ्यूल अगर भरना है आपका, पेट्रोल भरना है आपका, तो यहाँ पे भी उसका लीड दिया गया है जिसके मदद से आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ओपन करते हैं पहले अपना इंजन और इंजन के बारे में बात करते हैं, तो इंजन की कैपेसिटी हमें जो तो 1157 सीसी का इंजन दिया गया है। और बात करेंगे मैक्स पावर की, तो उसकी पावर की बात करेंगे तो हमें 66 किलोवाट का जो तो पावर मिल जाता है 6000 आरपीएम के ऊपर। और टॉर्क की बात करेंगे तो हमें 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 4400 आरपीएम के ऊपर। चार सिलेंडर इंजन है दोस्तों। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात अगर हम करेंगे तो 22.35 का हमें इसका माइलेज मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। और बात करेंगे ऑटोमेटिक में, तो ऑटोमेटिक में हमें एजेस में हमें 22.94 का माइलेज मिलेगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करेंगे तो हमें 37 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की प्राइस के रिलेटेड, तो गाड़ी का प्राइस 7,32,690 एक शोरूम प्राइस चला जाता है जो कि महाराष्ट्र का है। और इसे में अगर हम आरटीओ इंश्योरेंस वारंटी और कुछ एक्सेसरीज में ऐड करेंगे तो हमें इसका प्राइस नियर अबाउट 9 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस चला जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने बलेनो डेल्टा के रिलेटेड जो तो सारे पॉइंट कवर अप किए होंगे, बट कुछ पॉइंट अगर रहे होंगे, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा इस गाड़ी के रिलेटेड तो कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि कमेंट्स में पूछे गए हर एक सवाल का मैं जवाब देता था दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।